अगर आपने उससे बात नहीं करनी थी तो मुंह पर मारती उसकी कैंडी, लेकिन आपने तो उसे शह दी है, समझ में आई आपके? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? समझ सकते हो? एक बात बताऊं तुम्हें, मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस आदमी ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, जब जब मैं तुम पे चीखा, जब जब मैंने तुम पे गुस्सा किया, उसकी वजह सिर्फ ये आदमी था। फिर नहीं करना ऐसा। जरूर करूंगा, क्योंकि तुम गलतियां करने से बाज नहीं आओगी। इस हवाले से टैलेंट तुम में कूट के भरा है। एहसान जाने में होता है। ठीक है, तुम्हें अपनी अम्मी की वजह से परेशानी है, लेकिन हर बात पर गुस्सा आखिर क्यों? खुद भी परेशान होते हो, मुझे भी करते हो। मैं तंग आ गई हूँ मुराद। ओह वाकई? और वो शख्स जो तुमने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, उसकी रोज रोज की हरकतों से मैं भी तंग आ गया हूँ। हाँ, बड़े आए मैं भी तंग आ गया हूँ। जो मैंने कहा वही दोहरा दिया। कुछ अपना भी कहो तुम, मैं सच में तंग आ चुकी हूँ। इससे क्या हो गया है? दरवाजे भी अपने जैसे लगाए हैं, ढीठ जैसे तुम हो। ठीक कहा तुमने, यहाँ के दरवाजे भी मेरे जैसे रोमांटिक हैं। आखिर दरवाजे भी तो मेरी कंपनी के हैं। तुम्हें मालूम है असल मसला क्या है? सारा मसला तुम्हारे इन डिंपल्स का है। क्या करूं, मुस्कुराने से आते हैं। तो मुस्कुराओ ना। सिर्फ मेरे सामने मुस्कुराना। हाँ। तो फिर अब ये भी बता दें कि मुझे सांस कब लेनी है, सुबह में सांस लूं या शाम में? क्या कहा था घर पे? हाँ, तुम प्रोजेक्ट में नहीं हो, तुम लाउंजिंग में नहीं आ सकती। हंसोगी नहीं, रोगी नहीं, और भी कुछ है जो आप मुझसे चाहते हैं? अच्छा तुम खुद बताओ मुझे, तुमने इसमें से क्या किया अब तक? ना मैंने किया और ना ही मैं करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी।